Congress party is upset with the Narendra Modi government over the Independence Day seating plan for leader of opposition and Congress leader Rahul Gandhi. पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही पांचवी रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो पांचवी रो में ही थी। While Chief Justice of India D.Y. Chandrachur was seated in the first row, Rahul Gandhi was seated way behind in row number 5, behind the Olympians. Congress hit out at Narendra Modi and said he has shown his frustration by making Rahul Gandhi sit in the fifth row. Narendra Modi एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार-बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पांचवी लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पांचवी रो में बैठे या पचासवीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए, लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमन, जयशंकर नहीं देना चाहते थे?